हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा रणबीर कपूर के बारे में, उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करूंगा और उनके कैरियर में जो एक लो फेज आया था उसके बारे में बात करूंगा, और साथ ही बात करूंगा कि उनकी आने वाली फिल्में क्या है और किस तरह से वो अभी फिलहाल बॉलीवुड के स्टारडम में किस तरह से स्टैंड करते हैं, क्या उनकी एक अहमियत है फिल्म इंडस्ट्री में और वो कितने इंपॉर्टेंट है एज ए बॉलीवुड एक्टर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, एकदम स्टार्टिंग में बताऊंगा, उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा इतने मुश्किल में किस तरह से उनका रोल था और क्या उससे अब फायदा हुआ है रणबीर कपूर को। चलिए स्टार्ट करते हैं, उनकी एक जो लाइफ स्ट्रगल स्टार्ट हुई, उन्होंने अगर याद नहीं होगा आपको असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया है 1999 की मूवी में अब लौट चले। उसके बाद उन्होंने काम किया था ब्लैक मूवी में संजय लीला भंसाली के साथ, उनको असिस्ट किया था असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके बाद 2007 में संजय लीला भंसाली की ही फिल्म में उन्होंने डेब्यूट किया, रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी सावरिया। तो पहली फिल्म जो उनकी थी रणबीर कपूर की, वो फिल्म फ्लॉप रही थी इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, जिसकी पिछली फिल्म ब्लैक सुपर डुपर हिट हुई थी बिना गानों के साथ। उनके साथ फिल्म उन्होंने की सबसे पहली, मतलब एज ए स्टार्ट किया कैरियर, और वो फिल्म फ्लॉप हुई। तो आप समझ सकते हो उनके जो कैरियर में जो जो फ्लॉप वर्ड है बहुत पहले ही आ चुका है। बहुत पहले ही रणबीर कपूर ये समझ चुके हैं कि इतना भी आसान नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना, अपने आप को एक ताबीज करना, मतलब अपने आप को एक काबिल बनाना और लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खड़ा रहना। तो रणबीर कपूर को ये पहले ही समझ में आ गया था, तो इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी चीज़ों को लेकर, अपने रोल्स को लेकर। और फिर 2008 में उनकी फिल्म जो आई बचना ए हसीनो, ए हसीनो, वो फिल्म चली तो ज़रूर, बट कहीं ना कहीं रणबीर कपूर को जो स्टारडम मिला, जो फेम मिला, वो अभी बाकी था। उनको जो फेम मिला 2009 में मिला, जहाँ पे तीन बैक टू बैक फिल्में आई, तीनों अलग जॉनर की फिल्में थी और तीनों फिल्मों ने बहुत एक अच्छा एक समा बांधा उनके लिए और एक बॉलीवुड में एक ऐसा, मतलब उन तीनों फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि रणबीर कपूर लॉन्ग बोलते हैं लंबी रेस का घोड़ा, उसके उस तरह के एक कोई एक्टर है। सबसे पहली फिल्म के लिए उनको बेस्ट डेब्यू मेल का फिल्म फेयर अवार्ड जरूर मिला था सावरिया के बाद, लेकिन 2008 में जो फिल्म आई थी बचना है हसीनों में, उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला फिल्म, लेकिन बहुत अच्छी थी। 2009 में जो फिल्म आई थी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी, वो वेकअप सीड आई थी। वेकअप सीड बहुत बढ़िया फिल्म थी। वेकअप सीड एक आज के जो यूथ है उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, लाइफ में किधर जाना है, तो उस तरह का जो एक स्टोरी है कि एक्चुअली वो हर एक लग की लाइफ की स्ट्रगल रहती है, चाहे वो किधर के भी बच्चे हो कहाँ के भी हो, एक जो यूथ ऐसा फेज होता है यहाँ पे क्या करना है नहीं पता रहता था। इस तरह की जो स्टोरी थी वेकअप सीट बहुत बढ़िया स्टोरी थी, एक ड्रामा बेस्ड स्टोरी थी और एक अच्छा कंटेंट था उसमें। और उसके अलावा जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी इसी दौरान वो हुई थी अजब प्रेम की गजब कहानी 2009 में। ये कॉमेडी फिल्म थी और बहुत दर्शकों ने पसंद किया कैटरीना कैफ के साथ की जो उनकी जोड़ी थी। और इसके अलावा एक और बहुत एक अलग ही लेवल की फिल्म थी, अलग ही जॉनर की फिल्म थी जो मुझे बहुत पसंद आई। ऑफकोर्स दोनों फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन तीसरी फिल्म जो थी रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर 2009 में आई थी, वो वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मैं कह सकता हूँ रणबीर कपूर के कैरियर की। और ये तीनों फिल्म ने ऐसा ये सुनिश्चित कर, तीनों फिल्म हिट साबित हुई थी, तीनों फिल्म ने सुनिश्चित कर दिया कि रणबीर कपूर बहुत अच्छे एक्टर है। फिर जो रही सही कसर जो थी वो 2011 में पूरी कर दी, जिस तरह से रणबीर कपूर छाए वो आज तक लोगों को याद है। रॉकस्टार और रणबीर कपूर, ये दो सिमिलर नाम आप बोल सकते हो, किसी ने अगर किसी रॉकस्टार को जिंदा किया है सिनेमा पर्दे पर तो रणबीर कपूर है, उनसे अच्छा शायद ही किसी ने किया होगा। इस फिल्म में जो आपको सबसे एक और पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वेकअप सीट के लिए बेस्ट क्रिटिक्स चॉइस मेल एक्टर अवार्ड मिला था फिल्म फेयर का। ये मतलब दो एक्टर के दो अवार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं, उसके बाद तीसरा अवार्ड और चौथा अवार्ड रॉकस्टार के लिए उन्हें मिला, आई थिंक तीसरा अवार्ड मिला है वो बेस्ट मेल जो फिल्म फेयर का पहला अवार्ड हुआ, प्रॉपर जो मिलता है बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो उसके इनके लिए मिला, रॉकस्टार के लिए मिला रणबीर कपूर को। उसके बाद 2011 के बाद 2012 में उनकी बर्फी फिल्म रिलीज हुई, जहाँ पे एक अलग ही किरदार उन्होंने निभाया और बहुत अच्छा लगा। एक अलग ही हटके फिल्म थी बर्फी। बर्फी फिल्म आप देखो, एक बर्फी फिल्म को कंपेयर करो और बाकी उनकी और फिल्मों को करोगे तो आपको समझ में आए कितनी डिफरेंट फिल्म थी बर्फी और कितना डिफिकल्ट फिल्म थी। और उस फिल्म के लिए भी रणबीर कपूर को फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। तो रणबीर कपूर को 2 साल लगातार फिल्म फेयर का अवार्ड मिला 2011 में और 12 के लिए। उसके बाद अब ऐसा लगने लगा था कि रणबीर कपूर अब कहीं रुकने वाले नहीं है, कहीं थमने वाले नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि फिल्म फेयर सिर्फ उन्हीं के लिए बना है।
उसके बाद जो फेज उनकी लाइफ में आया शायद वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। 2013 में एक्चुअली अच्छा साल था, ये जवानी है दीवानी रिलीज हुई, वो फिल्म जमकर कमाल करी, जमकर फिल्म चली, बट कहीं ना कहीं उसके बाद से जो उनका लो फेज चालू हुआ कुछ ज्यादा सही फिल्म नहीं चली। बेशरम फिल्म की चाहे बात करें, चाहे बॉम्बे वेलवेट की बात करें, चाहे रॉय फिल्म की बात करें, तो ये सब फिल्मों ने कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया। ये 2013 से 15 के दौरान रिलीज हुई थी। तमाशा फिल्म ने एवरेज बिजनेस जरूर किया था बट एक हिट फिल्म साबित नहीं हो पाई थी। तमाशा के लिए रणबीर कपूर का जो तारीफ काफी की गई थी उनके रोल की, बट ये तीन चार जो बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में हो गई थी उसके वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर था उन पर, और कहीं ना कहीं उन्हें एक वापस से एक रेस में लाने के लिए करण जौहर ने फिर कदम उठाया। करण जौहर ने उन्हें कास्ट किया एदिल है मुश्किल में। एदिल है मुश्किल आपने अगर देखी हो तो आप जरा भी ये नहीं कह सकते कि रणबीर 19-20 थे, रणबीर 20 के 20 थे, यानी कि अपना 100% रणबीर ने दिया था, और वो 100% जो एज एन एक्टर अगर कोई देता है वो दिखता है, नजर आता है सामने स्क्रीन पर। रणबीर कपूर की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, आपने उनकी एक्टिंग अगर सब पूरी तरह नोटिस की हो तो आपको एक सीन में मुझे सबसे अच्छा लगा जहाँ पे शाहरुख खान ऐश्वर्या राय बात करते वहीं रणबीर कपूर से बात सुन रहे थे, उनका रिएक्शन देखने लायक था वो, और एक ऐश्वर्या के सामने जब अजीबोगरीब बात करते हैं, जब ऐश्वर्या एक डायलॉग मारती है उसके बाद रोने लगते हैं रणबीर एयरपोर्ट के इधर, वो भी एक डायलॉग बहुत अच्छा था, वो भी सीन अच्छा था, और एट द एंड वो भागते हुए जाते हैं अनुष्का के लिए। तो बहुत सारी फिल्म में ये चीज़ें ऐसी थी जो बहुत अच्छी लगी, और एक मंझा हुआ एक्टर ही एक किसी और के किरदार को पर्दे पर जीत सकता है, तो वो रणबीर कपूर है, और ऑफकोर्स वो इस तरह के किरदार कई बार पहले भी निभा चुके हैं और चैलेंजिंग, पर कहीं ना कहीं जो एक काले बादल थे उनके कैरियर पर जिसे छा गए थे और वो अब छट चुके हैं, अब कहीं रोशनी दिख रही है अगर कहा जाए, यानी कि एक सक्सेस की राह पर वापस चल पड़े हैं। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था एदिल है मुश्किल, और करण जौहर की फिल्म को हम फ्लॉप कभी कह ही नहीं सकते क्योंकि उनकी फिल्म में हर वो चीज़ होती है जो एक ऑडियंस को कनेक्ट कर सके, और इसलिए रणबीर कपूर फिर से पूरे फॉर्म में आ चुके हैं, यानी कि रणबीर कपूर वापस से एक रॉकस्टार बन चुके हैं। आपको पता है रॉकस्टार का ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील जरूर आया था एदिल मुश्किल में, और हो भी क्यों ना, रणबीर कपूर से अच्छा इस तरह किरदार और कौन निभा भी सकता है। रणबीर कपूर आने वाले वक्त में भी कई सारी फिल्में उनकी आ रही है, फिलहाल जो सबसे पहले आने वाली वो आपको पता ही है जगह जासूस आने वाली है उनकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के साथ, वो फिल्म आने वाले, उसके अलावा भी कुछ और प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, बट फिलहाल रणबीर कपूर काफ़ी खुश जरूर होंगे एदिल है मुश्किल कलेक्शन से। एदिल है मुश्किल कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था तो ऐसा लगा था कि शायद चल ना पाए, शायद नहीं चलेगी, तो इतना पता था कि रणबीर कपूर का कैरियर कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाए। इस तरह के जो डर ऑडियंस को लग रहे थे, जो उनके फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि यार रणबीर कपूर का क्या होगा, यार हम तो बहुत मानते हैं उन्हें, उनके लिए फिल्म क्या होगी, कैसे जाएगी, रिलीज होगी कि नहीं, तो बहुत सारे इश्यूज थे। रणबीर कपूर के ऊपर क्वेश्चन मार्क था, उनकी पूरी फिल्म जो एदिल है मुश्किल उस पर क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब आई थिंक फिल्म रिलीज हो गई है, सबको पता है फिल्म चल रही है, अच्छी खासी अर्निंग कर रही है, और कहीं ना कहीं ब्लॉकबस्टर आराम से साबित होगी और 100 करोड़ भी कमाएगी। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा रणबीर कपूर का जो पहली फिल्म थी सावरिया वो फ्लॉप हुई थी, उसके बाद ही उन्होंने समझ गए थे कि फिल्म इंडस्ट्री का कैसा दस्तूर होता है। उन्होंने कहा आई थिंक वो हमेशा अपने साथ रखा कि वो एक हार्डवर्किंग हमेशा रहे, और हार्डवर्किंग आप रहोगे तो आपका जो काम है वो सामने नजर में आता है, और सेम उसी तरह रणबीर कपूर ने वो अपना एक जो बोलते हैं पेशेंस रखा 2013 से 15 तक का, और उसका उनका पेशेंस अब सक्सेसफुल हुआ है, और आई थिंक इन्हें अगर फिल्म फेयर अवार्ड वापस से मिला बेस्ट एक्टर का तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और तो इस तरह का एक लाइफ जर्नी फिलहाल है अभी तक की रणबीर कपूर की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ध्रुव शर्मा वन ऑफ माई जो फ्रेंड है जो वीडियोज देखते हैं, उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ ज़रा बता देंगे रणबीर कपूर के बारे में तो अच्छा होगा, क्योंकि उनका भी काफ़ी ज़्यादा लो फेज था, फिल्म के ऊपर काफ़ी सवाल उठे थे। तो ध्रुव भाई आपके लिए मैंने बता दिया, सभी को एक इन्फॉर्मेशन कर दिया रणबीर कपूर के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा, सभी को पसंद आया होगा। कुछ आपके सवाल होंगे इस वीडियो के बारे में तो आप पूछ सकते हो, और कुछ और बॉलीवुड से जुड़े हुए सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो। जिस तरह से आने वाले दिनों में और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आएगी वो मैं हमेशा आपको बताता रहूँगा। चलिए तब तक के लिए इतना ही कहूँगा, चलिए बाय।